नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद। खास खबर में आज हम बात करेंगे एक अनोखे रैंप शो की। पांव में हील वाली सैंडल, कानों में चमचमाती इयररिंग और कलाइयों में खनकती चूड़ियां। ये जुमले सुनकर आप समझ रहे होंगे कि निश्चित ही किसी सुपर मॉडल या सुंदर लिबास में लिपटी आकर्षक काया वाली लड़की का टीवी स्क्रीन पर आने का वक्त हो गया है। लेकिन इस बार आपको दिखेगा आपकी कल्पना से कुछ अलग। सुलभ इंटरनेशनल नाम की एक एनजीओ ने पिछले दिनों दिल्ली के एक होटल में एक अनूठे फैशन शो का आयोजन किया। म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ मिशन सैनिटेशन एंड द एमडी ऑफ जेनिथ डांस ट्रूप मिस्टर सूरज, थैंक यू। आमतौर पर अब तक फैशन शो में संभ्रांत और उच्च घराने के लड़के लड़कियां ही हिस्सा लेते रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सपने में भी सोचा होगा कि किसी रैंप पर समाज के अंतिम पायदान पर जिंदगी बसर करने वाली महिलाएं आएंगी? लेकिन कहते हैं ना, सब दिन होतना एक समान, वक्त परिवर्तनशील होता है और अब वक्त बदल रहा है। तभी तो ये महिलाएं, अलवर की ये महिलाएं जो भंगी का काम करती थीं, जिन्हें लोग छूने तक से हिचकते थे और जिन महिलाओं के पांव अपने मोहल्ले की सड़कों पर चलने में ही डगमगा जाते थे, अब देखिए कितनी दृढ़ता से रैंप पर देश की नामचीन मॉडलों के साथ कदम ताल कर रहे हैं। अब तक समाज में इन महिलाओं के लिए रोजगार के नाम पर सिर्फ मैला ढोने का ही काम था, लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि अलवर की 30 ऐसी महिलाओं को इस मजबूरी से बाहर आने का रास्ता मिल गया है, जो कभी अपने सर पर मैला ढोने का काम किया करती थी। सुलभ इंटरनेशनल ने ऐसी 30 महिलाओं को रोजगार के दूसरे साधन मुहैया कराए हैं और सुधार की इस कड़ी का ही परिणाम है कि अब हम इन महिलाओं को देश के सुपर मॉडल्स के साथ कैटवॉक करते देख रहे हैं। Please come back onto the stage again and join us.